हेलो एवरीवन। तो आज है बहुत बड़ा खुशी का दिन और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, बिल्कुल भी सस्पेंस नहीं रखती हूँ। आज है मेरी भतीजी की, मेरी बेटी की रिंग सेरेमनी, तो जिसके लिए मैं आई हुई हूँ अपने ससुराल। आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही है कि मैं अपने ससुराल के लिए निकल चुकी हूँ अपने घर से और अपने ससुराल भी पहुँच चुकी हूँ। और वहाँ पहुँचने के बाद करीब 1-2 घंटे घर में रुकी, खाना खाया, फिर रेडी हुई। उसके बाद हम लोग आ गए थे होटल। तो होटल में आने के बाद में मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और आज आप लोगों के साथ में अपनी बेटी की, अपनी भतीजी की रिंग सेरेमनी शेयर करूंगी और हमारे यूपी में हमारे यहाँ किस तरह से कैसे क्या होता है सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो ये देखिए कुछ इस तरह से डेकोरेशन हुई है और बहुत ही बेहतरीन डेकोरेशन। करीबन 4 बजे हम लोग होटल आ गए थे और सभी लोग धीरे धीरे आना शुरू हो रहे थे क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गया था फंक्शन। तो ये देखिए 4 बजे आई हुई थी ना मैं, तो यहाँ पर थोड़ी सी ऊपर मैं आ गई थी टेरेस और यहाँ पर धूप है, खूब अच्छी लग रही है। देखिए कुर्सी डाल के बैठे, हाँ यार धूप अच्छी लग रही है। और ये मेरी बुआ की बेटी है, जो मेरी बुआ है ना तो वो मेरी जेठानी की सगी भाभी है, तो ये उन्हीं की बेटी भी है मेरी बुआ की। तो हम लोग यहाँ पर रेडी शेडी होके और थोड़ा सा घूम फिर के और बातें कर रहे थे बैठे, यहाँ पर मस्ती मजाक चल रहा था। सारे लोग मिलते हैं ना तो ऐसे ही ढेर सारी मस्ती मजाक होती है और धीरे धीरे इवनिंग भी होती जा रही थी, एकदम अंधेरा सा होता जा रहा था। कुछ प्रिपरेशन लास्ट तक होती रही थी, तो ये देखिए फाइनली प्रिपरेशन ये होती जा रही है। और ये रही मेरी भतीजी, मेरी अति, ये मेरे भाई की बेटी है, आप सभी लोग जानते हैं। जो न्यू व्यूअर्स हैं वो नहीं जानते तो उनको मैं बता देती हूँ। और अति मेरी गोद में है, दीक्षा भी आई हुई है, मेरा भाई भी आया हुआ है। हेलो बाबू, हेलो बाबू, हेलो, हाय बाबू, हाय हाय। अच्छा प्याली दे दो और जय कर दो, जय बाबा की जय। और यहाँ पर मिल लीजिए आप लोग मेरी देवरानी से, इनके भी, इनसे भी काफ़ी लोग परिचित होंगे, ये मेरी पिछली कई वीडियो में ये भी आ चुकी हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को रहता था ना कि आप लोग मेरे लॉस से नहीं मिले हैं, महके वालों से ही मिले, तो आज देखिए सारे लॉस से मिल लीजिए। और ये हैं दीक्षा की बहन, ये जो ग्रीन साड़ी में ना, ये दीक्षा की बहन है। दीक्षा की बहन मतलब मेरी बहू, मेरी जेठानी की बहू है दीक्षा की बहन, और दीक्षा की बहन, दीक्षा की मम्मी सब एक साथ बैठी हुई। ये है मेरी प्यारी प्यारी मेरी बुआ सासू माँ, ये भी आप लोगों से हेलो कर रही हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ गए थे बाहर नाश्ता वगैरह करने, और नाश्ता वगैरह करने के बाद में मैं ना आज बहुत ज़्यादा बेसब्री से अपनी भतीजी का इंतज़ार कर रही हूँ कि जल्दी से वो आए और मैं उसको देखूँ कि आज वो वाकई में कितनी ज़्यादा प्यारी लग। और काफ़ी सारा सॉन्ग वगैरह चल रहे हैं ना, तो इस वजह से मुझे सारी क्लिप्स वॉइस म्यूट करके और मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है, क्या करूं फिर कॉपीराइट आ जाएगा। तो चलिए मेरी भतीजी की एंट्री हो चुकी है, आज की हमारी सेलिब्रिटी, हमारे प्यारी प्यारी मेरी राजकुमारी और राजकुमार जी आ चुके हैं। तो चलिए ब्लॉग को इन्जॉय कीजिए और मेरी बेटी को और उसके होने वाले जीवन साथी को ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दीजिए आप लोग। से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर तेरा हो गया, आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई।
जिससे मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का समंदर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा। सारी सदियां तेरी हो गई, आज से तेरा कल मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का नंबर, वो मेरी खुशियों का समंदर, वो मेरे पिन कोड का नंबर, आज से तेरा हो गया। तेरा शगन आदर्श
मेरी भतीजी की रिंग सेरेमनी हो चुकी है और ये मेरी क्यूट सी प्यारी सी मेरी भांजी है और बहुत प्यारी है ये और बहुत ही प्यारा डांस भी करती है। और यहाँ पर सारे मेरे लॉस खड़े हुए हैं और ये यहाँ पर लड़के वाले भी हैं, पर लड़के वालों का इंट्रोड्यूस मैं आप लोगों से नहीं करवा रही हूँ। और यहाँ देखिए इन लोगों की पिक्स क्लिक की जा रही हैं और मेरी भतीजी भी बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है और रोई भी बहुत ज़्यादा थी इस स्टेज में। और आप लोग ढेर सारा आशीष दीजिएगा मेरी भतीजी को और उसके जीवन साथी को। तो कुछ इस तरह से हमारे यहाँ रिंग सेरेमनी का फंक्शन का शुभारंभ हुआ। और देखिए बस इसके बाद में सभी लोग जो होता है ना एक आशीर्वाद देने का और पिक्स क्लिक करने का, बस वो वाली रस्म चालू थी। और उसके बाद में बस हम सभी लोग अपना खाना एंजॉय करेंगे और अपने अपने घरों को आ जाएंगे। और ये मेरी देवरानी है, ये मेरी जेठानी का बेटा है, मतलब मतलब इतना ज़्यादा मस्ती मजाक हो रहा था बहुत ज़्यादा। और ये है मेरी ननंद जी और सभी लोग, मतलब जो भी आते जा रहे हैं उन सभी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती जा रही हूँ। मेरी देवरानी जी अगेन, तो सभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराती जा रही हूँ आप लोगों को। और ऐसे ना मुमकिन नहीं हो पाता है, लोग तो सारे थे, बहुत सारे लोग थे लॉज में, लेकिन बस वही होता है ना कि हर किसी से इंट्रोड्यूस कराना पॉसिबल भी नहीं होता है। और हम लोग अपने घरों के फंक्शन में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं ना कि बस कैमरा मैंने वीडियो बना लिया, वीडियो शूट कर लिया, यही बहुत बड़ी बात थी। वरना मुझको नहीं लग रहा था, सच बताऊँ आप लोगों, क्योंकि आज मैं कोई भी वहाँ पर जाने के बाद मैं कोई भी ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊंगी, कुछ भी शूट कर पाऊंगी, मुझे नहीं लग रहा था। और ये देखिए मेरी भतीजी के लिए यहाँ से मैं ये फ्लावर्स लेके गई थी रोज़ के और इसको इस तरह से प्रपोज करवाया गया और बहुत ज़्यादा खुश थी। और खुश हो भी क्यों ना, आखिर उसके सारे ख्वाब जो सच होने जा रहे थे। बस अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिनर एंजॉय करेंगे और यहाँ पर भी मेरी ननद जी बैठी हुई हैं। और ये ना यहाँ पर ये जो खाने का जो सिस्टम था मुझे बहुत अच्छा लगा, ये जो कुल्लड़ होती है ना मिट्टी वाली कटोरियाँ, इनमें खाना सर्व किया गया था और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह से ना खाना भी बिल्कुल वेस्ट नहीं हुआ था और हर चीज़ थी जो भी आपको पसंद थी आप फटाक से ऑर्डर कीजिए और तुरंत अवेलेबल हो जाती थी। तो बस मेरी प्लेट भी लग रही है और सभी लोग अपना अपना डिनर इंजॉय कर रहे हैं। आज का आपको मेरी बेटी का रिंग सेरेमनी का फंक्शन, आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हमारे यूपी की शादी, हमारे यूपी के फंक्शन, हमारा यूपी का कल्चर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माई चैनल। और यहाँ पर मेरी प्लेट लग चुकी, मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग अपना डिनर इन्जॉय करेंगे। और आकर्षित को मैं बुला रही थी, वो इधर उधर कहीं घूम रहा था तो उसको बस बुला रही थी, कॉल कर रही थी कि फटाफट से आ जाओ आकर्षित और अपना डिनर करो आके और उसके बाद में चलेंगे वापस मतलब जेठानी के घर में। और देखिए प्लेट लगती जा रही है फटाफट। सारी गलियां मेरी हो गई, आज से मेरा घर